एक मजमून है आपको आएगा 30 नंबर का, 100 नंबर का जो पेपर है उसमें मजमून है 30 नंबर का, 4 टॉपिक होते हैं, इसमें चॉइस होता है आपके पास मजमून। और मजमून के अलावा जो दूसरा सवाल है आपका वो है तलखीस का, जिसको आप प्रेसी कहते हैं, वो तलखीस का सवाल है, वो तलखीस का सवाल आपका है 15 नंबर का। एक सवाल मजमून का, मजमून आपका है बच्चों 30 नंबर, जिसमें आपके पास चॉइस है, 4 टॉपिक देता है, वो 4 में से आपने एक करना होता है। पहले वो टॉपिक जो है वो 3-4 साल पहले एक का टॉपिक जो है वो जरूर देता था, पहले 2 देता था अदबी टॉपिक लिटरेचर के हवाले से, फिर 1 रह गया, अब वो कभी 1 दे देता है कभी नहीं देता, करंट इश्यू ज्यादा जो है वो उस पर टॉपिक आते हैं। ये तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, तो जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो फिर इस पर डिटेल से इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्या क्या टॉपिक वो देता है और कैसे सवाल आता है, हमको कैसे हल करना है और उसको तैयार हमने कैसे करना है। अब दूसरा सवाल जो है वो तलखीस का है, ये तलखीस बड़े प्रेसी ही है और ये मैंने तलखीस लिखा, ये तलखीस का सवाल है, ये है 15 नंबर का। अब ये 15 नंबर का सवाल है, इसमें कोई चॉइस नहीं होता, इसमें कोई चॉइस नहीं होता, ये एक ही पैराग्राफ होता है, इसको हमने प्रिसाइज करना है। जैसा आपको सवाल आता है प्रिसाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड गिव अ सूटेबल टाइटल, इसी तरह ये होता है कि पैराग्राफ की तलखीस करें और इसका मुनासिब उनवान तजवीज करें। ये हमेशा अनसीन पैराग्राफ हो, अनसीन पैराग्राफ होता है, इसकी सिर्फ प्रैक्टिस है। इस सवाल में आप ये तैयारी के बगैर सवाल नहीं होता मजमून का, ये कॉन्सेप्चुअली सवाल है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपने कैसे इसको प्रिसाइज करना आप कर सकेंगे।